हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू नेवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और ये हो रही है होली। ये हमारे पास के घर के पास के ही बच्चे हैं जो कि कलर से रंगे हुए हैं। पेड़ा भी बनाना था और गुजिया भी। तो पहले लगा कि पेड़ा तो जल्दी बन जाएगा, तो पहले पेड़ा बना लेते हैं, बाद में गुजिया बनाएंगे। तो गुजिया के लिए बाद में इसका वीडियो कैप्चर, मतलब जब बनेगा तब कैप्चर करूँगी। और अभी ये पेड़ा, तो ये पेड़ा मतलब खोवा भून रहा है, क्योंकि पेड़े के लिए खोवा भूनना होता है। और फिर उसमें डाल दिए मम्मी ने शक्कर। वो आपके ऊपर है कि आपको मीठा ज़्यादा पेड़ा, किसी किसी के घर में ना बहुत ज़्यादा मीठा पेड़ा बनता है, जितना कि खोवा रहता उतनी शक्कर उसमें ऐड कर देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मीठे हो जाते हैं पेड़ा, तो वो टेस्ट नहीं होता है जितना कि थोड़ा कम शक्कर वाले पेड़े अच्छे लगते हैं। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा मीठा है पसंद है या थोड़ा कम मीठा। तो अब इसमें शक्कर मिलाएंगे और जब तक कि चलाते जाएंगे, जब तक कि ये अभी जो टाइट लग रहा है ना, वो बाद में लिपकिट हो जाएगा, तो तब तक कि उसे चलाते रहेंगे। और बहुत ज़्यादा ये टाइट हो जाते हैं ना शक्कर मिलने के बाद, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है चलाने में। लेकिन वो चलाते चलाते ना एकदम पतला सा हो जाएगा, लिपकिट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसे भूनते ही रहेगा। और फिर उसके बाद ये जब थोड़ा सा लिपकिट होना शुरू हो गई, ये देखिए पहले से काफ़ी लिपकिट हो गया है ये, तो फिर इसे लिपकिट करने के बाद ठंडा किया। मतलब कि फैला रहे हैं ना, क्योंकि नीचे खोवा लग ना पाए। हालांकि गैस ऑफ हो गया है, बट ये बड़ी सी कढ़ाई है और क्या होता है, गर्म तो होगी वो, तो उसमें जो खोवा का नीचे वाला एरिया होगा ना, तो वो टाइट मतलब कहीं जल जाएगा, इसलिए वो इसे ऐसे ओट रहे हैं, मतलब चला रहे हैं, ताकि वो चारों तरफ एक सा फैलता जाए और ठंडा हो जाए। ठंडा होने में क्या होगा ना, इसको आसानी से मतलब इसकी पेड़ा बनाने में आसानी हो जाएगी और वो जल भी नहीं पाएगा। अब ये देखो ठंडा सा हो गया ना, तो इसे वापस से इसमें परात बोलते हैं इसे, तो इसमें पलट लिया था। और मम्मी क्या हुआ था, लोई बना बना के रखते जा रही थी और नानू ना सैतानी भी कर रही थी, तो लगा वो थोड़ा सा बैठ जाएगी तो ठीक रहेगा, तो मम्मी ने उससे बोला मैं लोई बना बना के दे रही हूँ, तुम इससे दबाते जाओ, ताकि ये पेड़ा वाला साँचा कहते हैं इसे, तो इसमें ये होता जाएगा। फिर जब वो सब हो गया, तो यहाँ पापा और दोनों बेटियों का हो रहा था डांस। पापा के साथ दोनों मतलब इंजॉय कर रही थी दोनों। पापा ने मतलब नानू के पापा ने बोला कि चलो तुम दोनों डांस करो, मैं गाना लगाता हूँ, तो बस ये दोनों भिड़ गई थी डांस करने में। और नानू ने भी ना नानू को देख देख कर वो भी कोशिश करती है करने का, बट अभी छोटी है ना, तो उसे अच्छे तरीके से नहीं आता। और वो क्या करती है ना, जब राउंड राउंड करती है ना, तो बैठ जाती, क्योंकि उसको मतलब चक्कर वो मतलब अनबैलेंस हो जाती है, इसलिए वो एक जगह बैठ जाती है। और ना क्या है, ये बदमाश भी बहुत है, कभी ऐसे राउंड राउंड करेगी ना, तो खड़े हो जाएगी, देखेगी कि मैं गिर रही हूँ कि नहीं गिर रही हूँ, फिर बस मम्मी ने जाके ना उसे पकड़ा और किसी बिसी किया। और फिर बस इसके बाद आज ना पूजा होती है हमारे यहाँ होली के दिन, तो बस फिर हम लोग, मैं रेडी होने के लिए चली गई। फिर रेडी होकर आई मैं नीचे, मैंने बोला यार एक तो फ़ोटो कैप्चर कर लो मेरा, हालांकि होली में जाना था, लेकिन फिर भी लगता है ना यार अच्छे से जाओ,
बुझाई है, तो हमारे पूरे परिवार, हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होता है और फिर उनके यहाँ, हमारे बगल में एक घर है, उन्हीं के यहाँ पूरी पुजाई होती है। और ये ना सारी लेडीज़ें इकट्ठा हो गई थी और जो बच्चे लड़ रहे थे ना यार, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं वो दोनों। तो बस मतलब कि मैं यहाँ पर आ गई थी और जो बना है दूर से बहुत, मतलब जितना भी हमारा बड़ा परिवार है तो सारी लेडीज जेंट्स उसी रूम में बैठती हैं। तो बस पुजाई हुई, फिर उसके बाद आरती वगैरह हुई, फिर उसके बाद हम लोग ने किया प्रसाद। तो इसमें ना ये जो पुआ मिलता है नारियल और मीठा, तो पुआ में मतलब वो जो होते हैं ना रोट, जैसे हनुमान जी को जो प्रसाद चढ़ता है पुआ, तो उसका प्रसाद खाया। फिर पूजा के आने के बाद नानू, नानू के पापा और बुआ कुछ काम के लिए बाहर गए। फिर उसके बाद मतलब ये था खाना बनना नहीं है, शाम भी हो रही थी। फिर हम लोग ने आराम किया यार, थोड़ा थोड़ा बहुत थक गए थे। फिर उसके बाद हो गई शाम, और शाम को ये देखिए क्या हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, होली वाले दिन हमारे घर में मैंने बताया था सिर्फ मूंग की दाल चावल रोटियां ही बनती हैं सुबह, और इवनिंग टाइम कुछ भी नहीं बनेगा। तो क्या करते हैं जितने भी हमारे घर के मतलब परिवार वाले, जितने जेंट्स और लड़के रहते हैं, सारे लोग मिलके कुछ कुछ बनाते हैं। तो ये देखो ये सब तैयारियां चल रही है, कोई आटा लगा रहा है, कोई मतलब इसका दाल बाटी का डो तैयार कर रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई मतलब हर कोई ये आटा सान रहे हैं। इन लोग कभी ना, ये सारे लोग कभी घर में एक ग्लास पानी लेकर नहीं पीते, और यहाँ देखो सारे के सारे काम में लगे। ये सारी लड़कियाँ हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। हालांकि हम लोग होली वाले दिन ऐसा कुछ भी फेस्टिवल होता है ना जहाँ पूजाई वगैरह होती है, कुछ मनना नहीं होता है, तो सारे लोग इकट्ठे होकर नीचे बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं। सारे लोग मतलब आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और सब लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक के ऊपर पूरा लोड हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे लोग बहुत अच्छे से सबकी हेल्प करते हैं, हर मतलब पूरा मिलजुल कर काम करते हैं। तो बस क्या, और क्या हुआ था ना, सब लोग खिलाते हैं, हम लेडीजें भी खाती हैं। फिर बुआ और मम्मी ना नीचे, निवी ना रो रही थी नीचे जाने के लिए, तो ये बुआ और मम्मी बैठी हुई हैं, तो निवी और नानू खेल रहे थे वहीं सामने बुआ और मम्मी के। और फिर मैंने सोचा कि मैं घर में कुछ मतलब कुछ कुछ हो गया, मैं भी बारजी से देख रही थी। और फिर यहाँ पे इन लोगों ने भरता का छौंका लगाया था, और बहुत ही टेस्टी था, मैंने खाया, बहुत ही टेस्टी। हम लोग क्या होता है ना, कभी कभी लोग के हाथ का, जेंट्स लोग के हाथ का खाना ना अलग टेस्ट लगता है। तो और फिर बस जब सब ने खा लिया, तो दो दो लोग बैठ कर खा, मतलब कुछ कुछ लोग आधे लोग बैठ कर खा रहे थे, और ये बैठे हमारे घर के मतलब नानू के चाचू, नानू के पापा। तो बस फिर ये सब हुआ और काफ़ी इंजॉय किया। और फिर इसके बाद मतलब इन लोग ने खाया, बैठते जा रहे थे सारे लोग खाने, फिर ना पापा, फूफा जी पापा ने भी खाया, और ना निवी उनको परेशान कर रही थी, ये नीचे सारे लोग ने दरी बिछा कर खा, मतलब चटाई मतलब जिसका जो मन था वो ले जा रहे थे, और सब लोगों ने खाया बैठकर, बहुत अच्छा। और ये वीडियो कैप्चर कर रहे थे सबका, तो बस इंजॉय हो गया होली का। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक।